हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत यूट्यूब के माध्यम से अभी जस्ट एक 6 मिनट पहले, एक 8 मिनट पहले आप देख सकते हैं, 2 मैसेज आए मेरे पास। पहला तो उन्होंने पूछा है कि फिशुला में क्या फिशुलोग्राम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते। दूसरा उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सेकेंड ग्रेड का फिशुला है, ये कितने दिन में मेरा ठीक होगा। एक क्वेश्चन इसके नीचे और है कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया है कि उनको फिशुला डायग्नोस हुआ है और उनके डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपका जो फिशला है ये खाने वाली दवा खाइए, इससे लगभग 1 से 1.5 महीने में आप ठीक हो जाओगे। तो 3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि क्या खाने वाली औषधियों से फिशला ठीक होता है कि नहीं होता है। इस पर हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया है, बहुत पहले बनाया था, लगभग 1 साल पहले, आप उसको देख लीजिएगा प्लीज़। मेडिकली कैसे खाने वाली दवाइयों से ठीक होता नहीं होता वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। फिर भी मैं आपको बता दूँ, लगभग 99% केस में, फिशुला के केस, खाने वाली या किसी भी लगाने वाली या किसी भी चमत्कारिक औषधियों से फिशुला नहीं ठीक होता है, क्योंकि फिशुला में 2 ओपनिंग होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल ओपनिंग हमेशा एक्टिव रहती है, एक्सटर्नल कई बार इनएक्टिव हो जाता है। मतलब आपने देखा होगा कई बार आपका फिशुला बाहर से लगता है हमें तो ये तो दाना मेरा ठीक हो गया, फिर जब फूट जाता है तो फिर लगता है तो फिर से फिशुला हो गया। तो फिशुला किसी भी खाने या लगाने वाली औषधियों से क्यों नहीं ठीक होता, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं फिशुला 5 ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। ये सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के बेस पे है। ऐसे एक क्लासिफिकेशन और है, उसमें इंटर इंस्फेंट्रिक, ट्रांस इंस्फेंट्रिक, सुपरा इंस्फेंट्रिक और एक्स्ट्रा इंस्फेंट्रिक बताया गया है। तो फिशुला में एक ओपनिंग होती है यहाँ, एक ओपनिंग होती है बाहर। आपने देखा होगा कई बार आपके मलद्वार के बाहर की जो छेद होता है, जो ओपनिंग होती है, जहां पास आ रहा होता है, वो बंद हो जाता है, तो आपको लगता है ठीक हो गया, फिर 1-2 महीने बाद फिर देखिए फूट जाता है। तो ये होता है बाहर। कई बार क्या होता है, ये वाला जो ओपनिंग होती है ये अपने आप ठीक हो जाती है, ये क्या होता है, ये घाव भर जाता है तो फिशुला अपने आप ठीक हो जाता है। चाहे कई बार दवाई करो चाहे ना करो, तब भी वो ठीक हो जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि जो फिशुला की सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो कहाँ, इंटरनल ओपनिंग। क्योंकि जब आप लैट्रिन जाओगे मल द्वार के अंदर से, यहाँ से लैट्रिन में टुकड़े जाते हैं, फिर यहाँ से बाहर आते हैं और यही पस का फॉर्मेशन करते हैं, और इसीलिए फिशुला आपका जल्दी ठीक नहीं होता। तो अगर ईश्वर कृपा से हो सकता है कि अगर आपकी इंटरनल ओपनिंग ये भर जाए तो हो सकता है फिशुला अपने आप ठीक हो जाए। अदरवाइज 99% केस में फिशुला अपने आप ठीक नहीं होते हैं, या खाने लगाने दवा ठीक नहीं होते। आप इसके लिए किसी भी अपने आसपास जो एनालिटिकल सर्जन होते हैं उनसे मिलकर इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करिए, फिर इसका सही से इलाज कराइए। जैसा कि अभी एक क्वेश्चन और उन्होंने पूछा था, सेकेंड ग्रेड का फिशुला मेरा कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो आपको मैं दिखाऊं, फिशुला हम लोग जानते हैं फिशुला 5 प्रकार का होता है। देखिए, जैसे ये हमारी रिपोर्ट हमारे पास भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड 5 का फिशुला है। तो ग्रेड 5 का फिशुला में आप देख सकते हैं, जब इसकी आप पिक्चराइजेशन देखेंगे तो लगभग ऐसे दिखेगा, ग्रेड 5 का फिशुला। यहाँ पे देखिए ग्रेड 4 का फिशुला, यहाँ पे देखिए ग्रेड 2 का फिशुला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड 1 का फिशुला। इसी तरह ग्रेड 3 का भी एक फिशला होता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन ग्रेड 3 फिशला। तो जो क्वेश्चन था कि ग्रेड 2 का फिशला कितने दिन में ठीक होता है, बेटा फिशला डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर और हमारी बॉडी में किस पार्ट पे है। अगर एंटीरियर साइड में है तो फिशला थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक होता है, अगर पोस्टीरियर साइड में है तो फिशला जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि पोस्टीरियर साइड में मसल्स ज़्यादा होती हैं और एंटीरियर साइड में मसल्स कम होती हैं। ऊपर से जेनाइटल एरिया भी होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको धीरे धीरे ठीक किया जाता है, अदरवाइज़ वहाँ पे कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो ग्रेड 2 का फिशुला जनरली 1 से 2 महीने में ठीक हो जाते हैं, अगर आप 400 बिल से कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि हमें हमारा ये फिशुलोग्राम या फिशुलोग्राम रिपोर्ट कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आपको फिशुला डायग्नोस हो गया है, किसी भी डॉक्टर ने अपने आप अपने जानकारी प्राप्त कर ली है कि हमें फिशुला हो गया, भगंदर हो गया, तो सबसे पहले आप इसकी एक रिपोर्ट कराइए, क्योंकि रिपोर्ट से ये पता चल जाता है आपका फिशुला कितना इजी मतलब इजीली ठीक होगा या कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है जो बहुत देर में ठीक होगा। तो इस तरह MRI फिशुलोग्राम रिपोर्ट होती है, आप प्लीज़ करा लीजिए। बिना MRI फिशुलोग्राम या एक्सरे फिशुलोग्राम कराए किसी भी मतलब फिशुला का ट्रीटमेंट ना लीजिए, क्योंकि फिशुला अगर 100 पेशेंट हम लोग देखते हैं तो 100 के 100 पेशेंटों में फिशुला की जो रिपोर्ट होती है वो डिफरेंट होती है। किसी में फिशुला 1 सेंटीमीटर का होता है, किसी में एंटीरियर होता है, किसी में पोस्टीरियर होता है, किसी में कर्विलिनियर होता है, किसी में किसी कैविटी के साथ एसोसिएट होता है। हमें फिशुला की रिपोर्ट देख के ये भी पता चल जाता है फिशुला हुआ क्यों है,
जैसे किसी को टीबी की वजह से फिशला हो जाता है, किसी को ट्रामा की वजह से हो सकता है, किसी को एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, किसी को फिशर्स हो जाता है, किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाता है, किसी को क्रोन्स की बीमारी से हो जाता है, किसी को और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे फिशला हो जाता है। तो इसलिए फिशला का इलाज बिना किसी रिपोर्ट के मत कराइए, क्योंकि आपको फ्यूचर में दिक्कत होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक MRI फिशलोग्राम सबसे इजीली डायग्नोस्टिक जांच होती है, जिससे आप फिशला के बारे में सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।